लोकेश चौधरी के सभी दर्शकों को हमारी राम 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 राम, 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 राम जी। बगोला वासी आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बगोला गांव में, हमारे साथ यहां के कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। तो आइए दोस्तों इनसे करते हैं कुछ बातें और जानते हैं गांव के बारे में। लोकेश चौधरी के दर्शकों को मेरी राम राम जी। कोई मैं बाबूराम बगोला गांव का निवासी हूं और हमारे मंदिर में 6:30 से 7:30 बजे तक हरी आरती होती हैं। उसके बाद रामायण पाठ होते हैं और 9 से 10 बजे तक हरि कीर्तन मंदिर के अंदर होता है। और जो संग्रहालय मंदिर के अंदर बना रखा है उसमें हमारे चारों वेद चार ग्रंथ रखे हैं। और जो भी नौजवान लड़के आकर के यहाँ पढ़ते हैं रामायण भी और ये चारों वेदों को भी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो आते हैं वो भी यहाँ पढ़ते हैं। हमारा बाबा था, बाबा दादी थे, तो बाबा जंगल की तरफ चला गया था। तो जंगल में शेर था, उसने वो फाड़ दिया था, मार दिया था। तो हमारी जो दादी थी वो वहीं बैठी रही थी। तो उस समय बुजुर्गों ने उनसे कहा तुम उठ के आ जाओ, नहीं आऊँगी। ठीक है जी। उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। लोग वहाँ उसके लिए कुछ ले जाते थे तो छाछ दलिया, उस टाइम वो गड्ढा रोटी गड्ढा बना के नीचे रख देती थी, नीचे रख देती। कुछ लोगों ने कहा भाई दादी अखंड बकरी है, वो ये खाती पीती है, कहाँ सती होगी। तो उसने वो गड्ढे में से जितनी छाछ ले जाएगी वो नाप के रख दी, रोटी थी वो निकाल के रख दी। तो तब वो बाबा के साथ सती हुई थी दादी। नाम से पूछ नाम नहीं पता। तो आज भी है, आज भी मंदिर है, मंदिर है उसका का। वो और काफी परिचय देती है वो दादी। हाईवे पे है ना, संस्कृत कॉलेज, गांव के सभी लोग जाते हैं संस्कृत कॉलेज के खेवरे हाथ साइड में। सती और पूरा गांव मानता है, पूरा गांव मानता है। सती दादी की चौथ आती है, उस दिन वहां पर पकवान पूरी पुआ चढ़ाते हैं लोग, जो भी चढ़ता वो वहां सती दादी पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद गांव वाले बालक बच्चे भोग लगाते हैं, खाना खाते हैं, पहले सती दादी को पूजा जाता है। Thank you.
हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो दर्शक इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।